नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जानकारी के खजाने में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ, जो चाहोगे वो पाओगे। हिंदी मोटिवेशनल कहानी है। एक गांव में एक साधु रहता था, जो नदी किनारे बैठकर हमेशा जोर जोर से बोला करता था, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। लोग पास के ही सड़क से गुजरते पर कोई उसकी बात पर गौर नहीं करता था और सभी उसको पागल कहकर आगे की ओर निकल जाते हैं। एक दिन एक युवा वहां से गुजर रहा था और उसने इस साधु की बातें सुनी, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। यह सुनकर युवा उसके पास जाकर बोला, गुरुजी, आप बोल रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या आप सही में मैं जो कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? यह सुन साधु बोला, अवश्य बेटा, जो तुम चाहते हो वह मैं अवश्य दूंगा, पर उससे पहले बताओ कि तुम चाहते क्या हो। युवा बोला, गुरुजी, मुझे बहुत सारे हीरे मोती चाहिए, मैं बहुत बड़ा हीरा मोती का व्यापारी बनना चाहता हूँ, आप मुझे हीरे मोती दे सकते हैं? साधु ने अपनी मुट्ठी बांधकर युवा के हथेली पर रखकर बोला, बेटा ये पकड़ो हीरा, इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। इस हीरे की मदद से तुम जितने भी हीरे बनाना चाहते हो उतने हीरे बना सकते हो। लोग इसे समय कहते हैं, तुम इस समय का कभी दुरुपयोग मत करना। युवा विचार ही कर रहा था कि उतनी ही देर में साधु ने युवा के दूसरे हाथ की हथेली पकड़ते हुए बोला, यह पकड़ो मोती, इसे लोग अपनी भाषा में धैर्य कहते हैं। अगर कोई काम में मेहनत करने के बाद तुम्हें सफलता ना मिले तो कभी निराश मत होना, हमेशा धैर्य से काम लेना। यह सुन कुछ दिनों के बाद वह युवा किसी बड़े सेठ के यहाँ काम पर लग गया और कुछ दिनों में अपनी ईमानदारी और मेहनत से खुद बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में समय और धैर्य हीरे मोती के समान हैं। जो भी इस समय का सदुपयोग करेगा वह जीवन में जरूर सफल बनेगा और साथ ही साथ उस काम को करने का आप सभी में धैर्य होना जरूरी है। कोई भी इंसान एक दिन में तेंदुलकर या फिर धोनी नहीं बन सकता है। धैर्य और समय दो ऐसी चाबी है, जो इंसान इसको समझ जाए उसे अपने दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।